हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश का 18th लेसन। और इस लेसन का नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, भारत एक यात्री की नज़र में या एक यात्री की दृष्टि में। ट्रेवलर मींस होता है यात्री और आइज मींस होता है आँख या यहाँ पर, लेकिन भावार्थ होगा नज़र में। तो क्योंकि ट्रेवलर्स यानी अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो लेसन है इस बात पर आधारित है कि एक जो यात्री है भारत में आया है वो इंडिया को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसा आप जानते हैं, आप किसी भी देश में जाइए तो उस देश के लोग अपने देश की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वास्तविकता इस बात पर है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस देश में जाता है और दूसरे देश का व्यक्ति अगर उस देश में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो अगर प्रशंसा करता है तो वही वास्तविकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो लेसन है बहुत ही शानदार लेसन है और यहाँ पर आपको जो एक यात्री है उसके दृष्टिकोण से, उसकी नज़र से भारत कैसा है वो पूरे लेसन में बताया गया। यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जो नेचर है, प्रकृति है वो कैसी है, पहनावा कैसा है, लिबास कैसा है, खाना पीना कैसा है, वो सब कुछ के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा पूरे लेसन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये लेसन काफ़ी बड़ा है और लगभग 5 से 6 पेज हैं, तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में आपको अपलोड करेंगे और इसके जो पार्ट्स रहेंगे उनके जो इनके जो पार्ट्स रहेंगे वो अलग अलग सबको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। What kind of nation did India emerge after freedom? What kind of nation? किस तरह का राष्ट्र? Did India emerge after freedom? स्वतंत्रता के पश्चात भारत बना, यानी कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात किस तरह का राष्ट्र बना, ये यहाँ पर इसका भावार्थ होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। India had always been part of the background of my life. भारत हमेशा से ही मेरे जीवन का पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है, मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है। पार्ट मीन्स हिस्सा और बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। बट आई हैड नेवर सीन इट फॉल, लेकिन मैंने इसे कभी पूरा नहीं देखा। एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, और मैंने खुद अभी तक इसको पूरा नहीं देखा। हियर द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी, जैसा कि कहानियाँ जो मेरे भारतीय परिवार पारिवारिक डॉक्टर थे और उसकी जो पत्नी ने जो मुझे कहानियाँ सुनाई थी उनके माध्यम से। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं एक बच्ची थी, यहाँ पर एक महिला है जो हमारे देश में घूमने आती है। हैज वूमन देमसेल्व्स इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम्स, तभी मैंने कहानियों को सुनकर अपने जो सपने हैं उनको मैंने विकसित किया था। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग, और मैंने बहुत कुछ पढ़ा। दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री, जितना मैंने इस देश के बारे में पढ़ने को मिला मुझे उतना मैंने सब कुछ पढ़ा। फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिता से। आई हैड लर्न्ड ऑफ इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्ध, मैंने अपने पिता से सीखा इसके बारे में थ्रू बुद्धिज्म के बारे में एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्ध, और जो भगवान बुद्ध हैं उनके जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके जो जीवन का जो इतिहास है उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, अपने पिता से सुना है और उसको मैंने सीखा भी है। आगे देखिए, ए वेरी वर्ल्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वैरायटी ऑफ ह्यूज दैट इज इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में जितने भी तरह के रंग हैं वो सभी मेरे दिमाग में कौंधते हैं। यहाँ पर देखिए, द वेरी वर्ल्ड कलर यानी कि जो रंग शब्द है रिमाइंड्स मी, मुझे बार बार याद आता है, ऑफ द वैरायटी ऑफ द ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ, जो भारतीय जीवन में जिस तरह भिन्नता है, जिस तरह का एक रंग है वो मेरे दिमाग में मुझे बार बार याद आता है। एज वेरियस एज और अमेरिकन ह्यूमन सीन, उसमें इतनी भिन्नता है जितना कि हमारे अमेरिकन मानवीय दृश्यों में। इन कश्मीर में, वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स, जहाँ पर यूरोप के जो आक्रमणकारी आए थे फ्रॉम यूरोप, लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया, और काफ़ी पहले भारत में आके प्रवेश कर गए थे। पेनिट्रेटेड मीन्स होता है प्रवेश करना। द पीपल आर ऑफ एन फेयर,
लोग यहाँ के गोरे कलर के हैं, अभर्ण हेयर्ड लाल भूरे कलर के उनके बाल हैं, ब्लू आइड उनकी आँखें नीली हैं, वुमेन आर ब्यूटीज देयर, महिलाएं महिलाओं में ब्लू आँखें और अभर्ण हेयर्ड और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो कलर है वो गोरा है, ये सुंदरता है यहाँ पर। ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक युवा साथी है, हैज़ रिसेंटली मैरिड ए कश्मीर मैन, उसने एक कश्मीर के आदमी से शादी की है, यानी कि वो कहती है कि मेरी एक सहेली कह सकते हैं, एक मेरी इंडियन मित्र है जिसने हाल ही में कश्मीर के एक आदमी से शादी की है। थ्रो हिज हेयर इज डार्क, उसके यद्यपि उसके बाल काले हैं, हैज आइज ऑफ ए क्लियर ग्रीन, उसकी आँखें एकदम साफ हरी हैं, एंड स्किन कलर ऑफ द अगली पेज, और उसका जो स्किन का जो कलर है कश्मीरी इज लवली क्रीम, कश्मीरियों के जो स्किन का जो कलर होता है वो एकदम क्रीम की तरह होता है। एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द क्रीक, और उनके जो फीचर्स हैं उनके जो जो गुण हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि ग्रीक के लोगों के होते हैं। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन भारत के सभी लोग मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, भारत के सभी लोगों को रिकॉर्ड का मतलब होता है शामिल करना चाहिए एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, कॉकेशियन रेस का मतलब पीली स्किन वाले पीली रंग वाले जो लोग हैं उनमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय हैं उन सभी की जो स्किन है वो पीले कलर की है। वाट एवर द कलर्स ऑफ द स्किन इज इन द साउथ, भले ही साउथ में स्किन का जो कलर हो कुछ भी हो, दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स, यद्यपि यह इतना ही काला है जितना कि समान तौर पर अफ्रीकन्स का होता है। यू सी हाउ इंडिया हैज ए वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, आप देखेंगे कि भारत कैसे मानव जीवन में प्रवेश किया है, किस तरीके से मानव जीवन में प्रवेश किया है। एंड कंसिडर हाउ इंडिया हैज मैनेज्ड, और आपको मानना होगा कि भारत ने कैसे इसका प्रबंध किया है, मेनली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, अपने स्वतंत्रता को अक्षुण्ड बनाए रखते हुए, एंड यस और हाँ, बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, और महान अच्छे व्यक्तित्व के लोगों का विकास करके, टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों में भारत ने पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया है। दे हैव पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गैव, अंग्रेजों ने इन्हें जो कुछ भी दिया है उसका इन्होंने समुचित बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठाया है, गुड यूज यानी कि अच्छी तरह से उपयोग किया है, बेनिफिट्स लाभ उठाया था इंग्लिश गैव जो अंग्रेजों ने दिया है, एंड लेफ्ट और छोड़ा है, यानी कि अंग्रेज ने जो यहाँ पर शासन किया और अंग्रेजों ने जो भी चीज़ें यहाँ पर दी और जो कुछ छोड़ के गए हैं भारत ने उसका समुचित लाभ उठाया है। द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का जो ज्ञान है, द प्योर एंड एक्सक्विजिटली इनशिएटेड इंग्लिश टंग ऑफ मैन, यहाँ के लोगों की जो इंग्लिश जो टंग है यानी कि जो इंग्लिश भाषा है, एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब विटनेस नेहरू, और महिलाएं भी दोनों तरफ से ही पढ़ी लिखी हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों लोग ही पढ़े लिखे हैं, विटनेस इसके गवाह है नेहरू, एंड विथ हिम ए होस्ट ऑफ मैन, और उनके समूह के कुछ लोग लर्निंग हाउ टू गवर्न, जिन्होंने सीखा है कि शासन कैसे करना है, एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है उसके जो अध्यक्ष हैं वो पहली महिला भारतीय ही थी, ए वुमेन ऑफ इंडिया, एंड ए मैन इन चार्ज ऑफ द सुपीर ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, और कोरिया में जो कैदियों के जो एक्सचेंज के जो चार्ज में थे वो एन इंडियन जनरल ही थे, भारतीय जनरल ही थे, हु वॉन ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जिसने सभी का विश्वास जीता। इवन द ब्लस्टरिंग का मतलब होता है आतंक, भले ही आतंक एंड द एक्यूजेशंस और अपराध एट होम घर में या फिर बाहर हैव नॉट चेंज द क्विट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया, भारत के शांति विश्वास को बदल नहीं सका है, यानी कि आतंकवाद हो चाहे वो अपराध हो घर में हो चाहे बाहर, उसने भारत के जो शांति का जो शांतिपूर्ण जो विश्वास है नए भारत का उसको
बदल नहीं पाया है। एंड दिस कॉन्फिडेंस, और यही विश्वास, फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म, वह न झुकने वाले आदर्शवाद पर भी पाया जाता है, परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ, जो हमारे सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है। परमिट्स का मतलब होता है पाया जाना या प्रवेश करना या उसमें समाहित होना। आगे देख लीजिए, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, मैं भारत क्या देखने के लिए गया, नॉट द ताजमहल, ताजमहल देखने नहीं, ऑल्दो यद्यपि आई डिड सी इट एंड बाय मूनलाइट, लेकिन यद्यपि मैंने मूनलाइट यानी कि चंद्रमा की रोशनी में इसे देखा, नॉट फतेहपुर सीकरी, ना ही मैं फतेहपुर सीकरी गया था, ऑल्दो आई डिड सी इट, यद्यपि मैंने फतेहपुर सीकरी को देखा, एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और ना ही मैं न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के जो सम्राट हैं उनके जो गौरव है उसको देखने के लिए गया था, ऑल दो आई डिड सी देम, यद्यपि मैंने उनको भी देखा, आई वेंट टू इंडिया, मैं भारत गया टू सी देखने के लिए, एंड लिसन द लिसन टू ग्रुप ऑफ पीपल, दो लोगों के समूह को सुनने के लिए मैं गया, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज, शहरों में जो युवा बुद्धिजीवी हैं, एंड द पीजेंट्स इन द विलेज, यहाँ पर जो दो ग्रुप बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं, जो बुद्धिजीवी हैं वो शहर में हैं और जो किसान हैं वो गांव में हैं, तो उन दोनों के जो विचार हैं उनको सुनने के लिए गए थे। दीज आई मीट इन लिटिल रूम्स इन द सिटी, शहर के एक छोटे से कमरे में मिले, इन लिटिल हाउसेस इन द विलेज, और गाँव के एक छोटे से घर में, एंड आई हर्ड देयर प्लान्स ऑफ फॉर फ्रीडम, और मैंने स्वतंत्रता के लिए उनके जो विचार थे, उनकी जो योजना थी उसको मैंने सुना। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड, पहले से ही इंटेलेक्चुअल्स मीन्स बुद्धिजीवी बिलीव्ड, विश्वास करते थे, दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि एक अन्य विश्व युद्ध की आवश्यकता थी, यानी कि जो पहले से ही यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं बुद्धिजीवी हैं वो इस पर विश्वास करते थे कि वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की आवश्यकता थी। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सभी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात काफ़ी निराश थे, बाय व्हाट दे फेल्ट, जो इन्होंने महसूस किया, वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो इंग्लैंड ने जो प्रोमिस किए हुए थे, जो वचन दिए हुए थे वो इंग्लैंड ने तोड़ दिए थे, द इंग्लिश, अंग्रेज, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषित किया, हैड नो रियल पर्पज टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल, यानी भारत को गुलाम बनाए रखने का उनका कोई मुख्य मकसद नहीं था, इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज सी कुड, भारत ने इंतजार किया, एज लॉन्ग एज सी कुड, जितना वह इंतजार कर सकता था, एंड पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल, किसान और बुद्धिजीवी, पीजेंट्स मीन्स होता है किसान, एंड इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी, वर ऑन द सेम साइड इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि न जीतने वाले समूह की तरफ दोनों लोग ही शामिल थे, यानी कि एक ही ग्रुप में शामिल थे, सेम साइड एक ही तरफ थे, यानी किसान भी, किसान और जो इंटेलेक्चुअल थे वो एक ही तरफ थे, लेकिन ये युद्ध को जीत नहीं सकते थे। अरवाज गांधी जी स्ट्रेंथ, ये गांधी जी की ही ताकत थी, स्ट्रेंथ में ताकत, दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली दैट इक्वल स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, एंड सो ही अचीव्ड दिस एंड, हिज एंड, यानी कि आप यहाँ पर देखिए, अर्ली दैट बोथ पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल मस्ट बी वॉन्ट टू वर्क टूगेदर फॉर देयर कंट्री, गांधी जी की ही ताकत थी, दैट मेड हिम नो, जो उन्हें यह जानकारी दिला पाए वेरी जल्दी, जितनी जल्दी हो सका, दैट बोथ, कि दोनों पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल्स, किसान और बुद्धिजीवी, मस्ट बी वॉन्ट टू वर्क टूगेदर फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए जीतने के लिए मिलकर काम करना होगा, हिज होल्ड वाज इक्वल स्ट्रेंथ अपॉन बोथ, उनकी जो पकड़ थी वो दोनों पर, दोनों तरफ बराबर ही थी, यानी कि जो बुद्धिजीवी थे उनकी पकड़ अंग्रेजों की तरफ थी, और जो किसान थे वो जो भारतवासी हैं उनकी तरफ उनकी अच्छी पहचान थी। आगे देख लीजिए, सो एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड, तभी वह अपना जो अंत है उसको प्राप्त कर सके, विदाउट वॉर, वो भी बिना युद्ध के, परहैप्स शायद, वी अमेरिकन्स डू नॉट येट फुली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज़ टू रीच टू टीच इन थस विनिंग हर फ्रीडम, हो सकता है हम अमेरिकन्स को ये बात कभी भी समझ में ना आए, द ग्रेट लेसन, यह महान लेस अध्याय हमें कभी भी समझ में ना आए, दैट इंडिया, कि भारत हैज़ टू टीच
एंड थस विनिंग हर फ्रीडम, कि भारत ने उन्हें क्या चीज पढ़ाई है अपने विजय के लिए, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। बिसाइड हर माइटी ट्रम्फ ऑफ ब्लडलेस रिवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति की जो विजय है, हर माइटी शक्तिशाली जो विजय है ऑफ ए ब्लडलेस रिवोल्यूशन आवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो युद्ध है यानी कि स्वतंत्रता का जो युद्ध है वो रक्तहीन है, बिना रक्त का विजय है जिसमें कोई भी रक्त नहीं बहा। श्रिंक्स इन साइज, भले ही वो आकार में छोटा हो गया हो एंड कंसेप्ट विचारधारा में छोटा हो गया हो, इंडिया हैज टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, इंडिया ने एक मानवता का पाठ पढ़ा। एंड इट्स टू अवर पेरिल, पेरिल का मतलब होता है भयंकर खतरा, एंड इट इज टू अवर पेरिल, और यह एक हमारे लिए खतरा ही था, इफ वी डू नॉट लर्न इट, यदि हम इसको नहीं सीखते। द लेसन अध्याय, दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, यहाँ भी कहा जा रहा है दैट वॉर, कि युद्ध और मृत्यु, अचीव नथिंग, से आज तक कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है सिवाय हानि के, बट लॉस, एंड दैट नोबल एंड, और जो वास्तविक अंत इज एश्योर्ड तभी संभव है, ओनली इफ द मीन्स टू अटेंड आर द पीस एंड इन ऑल्सो नोबल, यदि यह शांति को प्राप्त किया जा सके और कुलीनता पर आधारित हो तभी वास्तविक अंत को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यदि हम शांति और कुलीनता को प्राप्त करके ही कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं तभी उसका वास्तविक अंत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में हम इसका जो अगला चैप्टर है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।